हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बिहाइव द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के लास्ट टू स्टैंजा करेंगे। पहले दो स्टैंजा हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग च्वाइसेस एंड द च्वाइसेस सेव आवर फ्यूचर। पॉइंट कहता है कि जीवन में हमें बहुत सारी सेलेक्शंस करनी पड़ती है जो हमारे लिए जरूरी हो जाती है, जैसा कि हम इसके पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि पॉइंट एक दो राहे पर खड़ा है और वह दूसरे रास्ते को सेलेक्ट करता है और उसको सेलेक्ट करके वह आगे बढ़ जाता है और बात करता है कि दूसरा रास्ता कुछ कम चला हुआ था, लेकिन जब वो उस पर चलता है तो उसको पता चलता है कि दोनों रास्ते सेम ही चले हुए हैं, दोनों रास्तों पे काफी बहुत सारे लोग गए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे I doubt it if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. Third stanza में poet क्या explain करता है कि सुबह का समय है, मॉर्निंग का टाइम है और वो देखता है कि दोनों जो रास्ते हैं वो खाली पड़े हैं, उन रास्तों पर अभी तक कोई भी नहीं गया है। बिकॉज द पॉइंट वॉज द ओनली ट्रेवलर, क्योंकि पॉइंट केवल अकेला वहां पर है और उसको कैसे पता चला कि कोई नहीं गया हुआ है वहां पर। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, हैड ट्रोडन का मतलब है कुचला होना। जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं तो कुछ ओस वगैरह पड़ी होती है, आपको पता चल जाता है किसी के पैरों पे स्टेप देख करके कि यहां से कोई गुजर चुका है, लेकिन कहता है कि नो स्टेप, कोई भी स्टेप नहीं था। वो जो वहां पर पत्ते बिखरे पड़े थे, जो लिप्स थे वहां पर बिखरे हुए, उन पर किसी प्रकार का कोई भी पैर का चिन्ह नहीं था, कोई फुट स्टेप नहीं था जिससे कि ऐसा लगता कि वहां पर कोई गया हुआ है, जिससे कि वो ब्लैक यानी कि उन पर एक निशान एक मार्क पड़ चुका हो। तो वो कहता है कि दोनों के दोनों रास्ते ही क्या हैं, वो मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, कोई भी वहां से नहीं गुजरा था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एज वी नो कि पॉइंट ने कौन सा रास्ता सिलेक्ट किया, द अदर वे, दूसरा रास्ता, दूसरा रोड, द अदर रोड उसने सेलेक्ट किया है। तो कहता है कि चलो जो ये पहला रास्ता रह जाता है इस पर मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, किसी और दिन इस पे चल पड़ूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग वो जानता था इस बात को कि जब हम किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, किसी रोड को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो रोड यहां से दो रास्तों में डाइवर्ज हो रहा है, आगे जाकर के फिर हो सकता है दो रास्तों में डाइवर्ज, फिर किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दो रास्तों में डाइवर्ज हो सकता है, फिर किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट कहता है कि मैं जानता हूं इस बात को कि एक रास्ता दूसरे को लीड करता है, एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक, और पॉइंट साथ के साथ ही ये क्लियर कर देता है कि मुझे डाउट है शायद ही मैं कभी वापिस आ पाऊं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप नाइन्थ क्लास में संस्कृत ले लेते हैं और सोचते हैं कि चलो कभी बाद में फिर हम पंजाबी पढ़ लेंगे, कभी बाद में फिर हम आईटी ले लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि व्हेनेवर यू सेलेक्ट यू मेक अ चॉइस बी केयरफुल, उसको केयरफुल होकर के जो है सेलेक्ट करें। पॉइंट आगे कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, फ्यूचर में आपके बुजुर्ग आपको बताते होंगे एक बार की बात है मेरे पास मिलिट्री से कोई लेटर आया था, मैं वहां नहीं गया, सेलेक्ट नहीं किया और बाद में फिर पछताना पड़ता है। तो पॉइंट यही बात बार बार कह रहा है कि जब भी आप किसी चीज को सेलेक्ट करें तो बड़े सोच विचार करके, मेडिटेशन करके, बड़े थॉटफुल होकर के उसको जो है आप उसको सेलेक्ट करें। तो कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस का मतलब यहां पर है फ्यूचर। वैसे तो इसका मतलब इसलिए होता है
हैंस इसलिए, लेकिन यहां पर इस पोएम में इस हैंस का मतलब है फ्यूचर में, कि जब कभी फ्यूचर में समवेयर कहीं भी एजिस एंड एजिस युगो युगो तक सभी लोग बताते हैं अपनी बातें, पास्ट में ऐसा था जब मैं यंग था ये था, तो पोएट कह रहा है कि जब मैं एक आहा भर के, साई मीन्स आहा भरना, जब मैं एक डीप साई भर के, एक आहा भर के लोगों को फ्यूचर में ये बात बताऊंगा, और क्या बात बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, एक जंगल था, जंगल से मैं जा रहा था और जो रास्ता था वो दो तरफ फट गया था, दो तरफ डाइवर्ज हो गया था, और मैंने जो है जो कम चला हुआ रास्ता था, जो दूसरा रास्ता था, पहला रास्ता तो उसने दूसरे दिन के लिए रख लिया, कि जो दूसरा रास्ता था जो कम चला हुआ था लेस ट्रेवल्ड बाय, उस पर मैं चला और उसने मेरे जीवन में क्या कर दिया, एक बदलाव लेकर के वो रास्ता आ गया। यानी कि पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जब हमने कोई सिलेक्शन कर लिया है तो वो सिलेक्शन, वो च्वाइस, वो हमारा डिसीजन हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर में एक चेंज ला देता है। आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं ऐसा कर लेता तो शायद ये हो जाता, मैं ये कर लेता तो शायद ये हो जाता, परहैप्स ऐसा हो जाता, लेकिन आपने क्योंकि जो सेलेक्ट किया है होना उसी के अनुसार है। तो पोएट ये बात इस पोएम के माध्यम से समझाना चाहता है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग अवर च्वाइसेस। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।